हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सारा ठीक हो, फिट हो? गुड वाली मॉर्निंग होगी है। ये तकियों के जो अंबार लगाए हुए हैं, ये बस इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं कहता हूँ सर जितना भी है ना बुलंद रहे उतना अच्छा लगता है। तो चक्कर ऐसा है कि आप भी कह रहे होगे यार, जब भी ये व्लॉग बनाता है येलो शर्ट ही क्यों पहनी होती है? पता नहीं, येलो शर्ट में कोई ऐसी बात है कि मेरा दिल करता है व्लॉग बनाने का। आज एक व्लॉग में ख़ास चीज़ होने लगी है, और वो आप लोगों को मे बी थंबनेल से पता चल जाए या जो नीचे कैप्शन होता है उससे पता चल जाएगा। चक्कर ये होगा कि भाईजान, हम बिल्ली के बच्चों को आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको दिखाएंगे सारे बारी बारी करके। तो फिलहाल जो है मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, थोड़ा सा मैं बीमार रहा हूँ। गर्मी हो गई ना, मौसम चेंज हुआ है मैदे की वजह से, सेफिकेशन हो गई, मैदे में एसी की ज़रूरत है। तो मैं अपना ज़रा मरीज़ को नाश्ता कर लूँ। क्या आप लोगों से क्या छुपाना यार, आप घर के पार्ट हो। ये वो पीछे जो गंद मचा हुआ है उसको इतना दिल पे नहीं लेना। जब हम थोड़े एक्स्ट्रा अमीर होंगे ना, तो फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा खबर्स खूबर्स करवा लेंगे, तो फिर आपको वहाँ पे वो सारा कुछ डिका छुपा दिखेगा। मीनवाइल हम थोड़े से अमीर हैं, थोड़े से। मेरा नाश्ता आजकल यही होता है, ये दूध होगा, उसके बाद ब्रेड होगी, इसके अंदर डिप करके मुँह में जाएगी, फिर ये भाईजान आएंगे। ये तो है नाश्ते से पहले लेना होता है, और मैंने लेना भूल गया, समझ रहे हो ना, लेना भूल गया यानी गोली। तो ये मैदे के अंदर आपके कोई घुटन घबड़ास चुमड़ूस जो भी है वो हो गया। एक व्लॉग में स्पेशल निकालूंगा जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वो व्लॉग सबको हिला के रख देगा, ट्रस्ट मी, यकीन करो मेरी बात का, तबाही मचाएगा, एक वो नया मोड़ लाएगा। लेकिन फिलहाल हम नाश्ते वाले मोड़ पे हैं, हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। चीनी सब कुछ मिक्स की, ब्रेड डाल के खा के, खाते वक्त तो बंदा बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता ना, मैं तो वैसे भी सादा भी अच्छा नहीं लगता। ये खा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट बिल्लियों की तरफ लेके जाता हूँ। गाइस ओहो, दीज आर माई पट्स, व्हाट अ पटक शॉट। तो मैंने कहा था कि आपको मैं बिल्ली के बच्चे दिखाऊंगा, तो ये भाईजान आए हैं स्नैचर से, खदे ना मर्सी। ये बाहर निकल आया, बाकी जो है वो उधर ही अपने रूम में है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मसला ये हुआ है कि ये लोग ना बेड के नीचे एडजस्ट हुए हुए हैं, तो फिर एक एक करके निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अभी सारों को निकाल के आपको ला के दिखाता हूँ, तब तक हम इसे बात करते हैं। कैसा है? हाथ ना लगाओ। क्यों ना लगाऊं? मैं नया नहीं हूं। नया नहीं है? जुम्मा था, नया क्यों नहीं है? मैं नहीं पढ़ता। रोजा रखी? नहीं। रखो जे मार, रोजा भी नहीं रखता। कुछ कुछ हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ। फिर तो देख पीछे उसको। ओ वेलकम वेलकम, तुम भी आ गए हो हमारे साथ। पर कर हाथ मामा। ओए पंजाबी स्पीकिंग तनु की है? ओए पंजाबी में बातें करता है, वो स्टेप मार के दिखाया है। ओए पूं की थी है मैं। अच्छा चल छोड़। खैर जी, ये दो है, दो अभी और आ रहे हैं, आस्ता आस्ता निकलेंगे, आस्ता आस्ता दिखाएंगे सारे टर्न वाइज। ओए 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 ओए, खुदकुशी नहीं करनी, ओए आइसक्रीम शुकी के चक्कर में। हाथ ना लगाओ इन्हें जी, हाथ ना लगाओ, हाथ लगाओ। तेरी तेरी मशूक किधर है? आओ जी आयो, सोने हो, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। ये तीसरे वाला भी हमारे पास आ गया, अभी रह गया सिर्फ एक, अब वो आना बाकी है। ये क्या हुआ है, बड़ा परेशान लग रहा है ये? अचार टाइम रोता रहता है, अजीब देवदास बना हुआ है। छोड़ गई मेरे को पैरो पैरो, छोड़ गई मेरे को पैरो ने, छोड़ दिया रामू काका। ये आ गया चौथा भी, तो ये हैं जी सारे ऑल टुगेदर। इधर तो देखो, हैं पिथे हो पिथे हो पिथे हो, क्यों पिथे हो, हैं क्यों पिथे हो? है ये चारों है, ये दीज गिवन बर्थ टू द दीज कैट, यस थैंक यू। यानी कि ये बूजो के बच्चे हैं, फंस गया था बूजो। दीज आर माय किटन्स, बारी बारी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मैं सारों का। अस्सलाम वालेकुम, परमार इस्लाम कर रहा। अच्छा सीधा हाथ कह रहा है, एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी एज? 6 हफ्ते। हैं 6 हफ्ते? आओ नहीं। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, इधर आपसे बात कर। हाथ ना लगाओ। अच्छा ये हाथ वाला है, आपका नाम? अल्लाह दित्ता। अच्छा एक्सक्यूज मी, आप भी इधर आए? पीते हो पीते हो। ये देवदास भाई जाने हमारे, ये हर टाइम रोते रहते हैं हर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, ताला पिता माल, ये तोतला है तोतला। तो ये है जी हमारे किटन्स, दीज आर
एंड हर मदर मतलब इनके बच्चे, ये रहे हमारे बिल्ली के बच्चे। इन सारे बलूंगड़ों से बारी बारी बातें करते रहेंगे हम, यूं ही हमारा दिन गुजरेगा। बाकी हो सकता है आपका रोज़ा अच्छा जा रहा हो, मेरा ब्लॉग देखते तब ज़्यादा अच्छा होगा। ए यार मुझे याद ही नहीं रही, आप लोगों को मुझे उनका घर दिखाना चाहिए। घर कोई ऐसा हो, मैंने किला नहीं बना के रखा हुआ बिल्ली भी के लिए। ये मेरे नोटिस करना, मेरे लव्स कुछ फंबल कर रहे हैं। ये व्लॉग भी थोड़ा मैं छोटा रखूंगा ताकि आपको मेन मेन बात पता चल जाए, बाकी मेरे व्लॉग्स का आइडिया हो जाएगा कि आज के बाद आने वाले व्लॉग्स कैसे होंगे। बिल्लियाँ भी आगे से जवाब दिया करेंगी, बातें पूरी हुआ करेंगी हर जानवर से, हर चीज़ से, ताकि आप लोगों को एक डिफरेंट नई वाइब मिले। वो पुरानी चीज़ें मैं तंग पड़ गया हूँ। आए अल्लाह जी, उठवा मलका उठवा, इन्हों दस होए बिल्लियाँ के बच्चे। ओ माई गॉश, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करने आया हूँ। ना कर, वो कैमरे में हाय कर दे। ना करनी। क्यों नहीं करनी? मारी मर्जी। वाह जी वाह, अब इनकी मर्जी चला करेगी। उधर कर कैमरा। यार वीडियो नहीं बन रही। तस्वीर तो बननी भी ना। तस्वीर है ना, वीडियो ना बना। वीडियो भी बन रही है। फक ऑफ। ओके। प्यार मोहब्बत यू नो जी। हाँ कैसी लगी हैं आपको अपनी खाला की बच्चियाँ हैं? ओ इन्हें क्या हुआ? अच्छा, ये है जी इनका घर, ये देख लें। यहाँ पे हमने इसको कॉटन में करके ना एडजस्ट किया हुआ है, ये सिनेरियो बनाया हुआ है। ट्यूशन पढ़ते हो? ट्यूशन पढ़ते हो? कोई नहीं, सो जो रोज़ा लग रहे हैं जी। ये भी आपस में प्यार मोहब्बत कर रही थी, मैंने पकड़ लिया। ऐसे नहीं होगी आइसक्रीम। ओह मॉम है ना, एकदम से ख्याल है। वो मेरा बच्चा भूखे हुए हुए हैं, इनका मिल्क शेक टाइम हो गया है, अभी इन्हें मिल्क शेक मिलेगा। लो पिलाओ ना कुत्ता। ओके सॉरी। यार बड़े मेरे से प्यार मोहब्बत करती हैं। इधर आओ ना तुम शहजादी। प्यार मोहब्बत बहुत करती हैं मेरे से, मेरी जो मैंने रखी हुई है ना बिल्लियाँ, देख तो लिया होगा। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना लगाओ, क्या बताऊं। आए हाय हाय हाय, बिल्कुल इधर हाथ भी नहीं लगाने देती हैं। जस्ट लाइक माय एक्स एस मैक्स, दूरी भाग रही हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। टेक केयर, पीस आउट।